हेलो एवरीवन, अगर आप बिजनेस सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं और आप एक फाइनेंशियल ईयर में काम करते कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप बिना उसे क्लोज किए दूसरे फाइनेंशियल ईयर पे स्विच कर लें, तो आप वो कैसे कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम वही जानेंगे। सबसे पहले हम बिजी में ओपन करेंगे अपनी जिस भी कंपनी में हम काम कर रहे हैं। लाइक मैंने यहाँ पर अपने एक फाइनेंशियल ईयर ओपन किया हुआ है, अब मुझे दूसरे फाइनेंशियल ईयर को पे स्विच करना है, तो उसके लिए मुझे आना है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पे। एडमिनिस्ट्रेशन में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा चेंज फाइनेंशियल ईयर, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें फर्स्ट है फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1/4/2021 या न्यू ईयर फ्रॉम 1/4/2022। तो इस तरह से आपको स्विच करने के ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। मेक श्योर कि आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर है वो स्प्लिटेड होना चाहिए सेम फाइनेंशियल ईयर से जिस फाइनेंशियल ईयर में आप हो अभी। उसके बाद आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, या आप डायरेक्टली F11 का भी यूज़ कर सकते हैं, तो डायरेक्टली आप स्विच कर जाएंगे। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा, जिसमें वो आपसे कंफर्म करेगा कि आर यू वांट टू स्विच और नॉट। तो आप येस कर दीजिए इसको एंड आप देखेंगे कि आप दूसरे फाइनेंशियल ईयर में जा चुके होंगे। तो इस तरह से हम बिना कंपनी को बंद किए एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल ईयर में स्विच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर फिर भी आपकी कोई भी डाउट या क्वेरी है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे मेरी इंस्टा आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।